हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक क्लास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आप लोग यहाँ पर राइट साइड में देखोगे तो जो हमारी आरपी थी उसके ऊपर लॉक लग चुका है, मतलब कि आरपी आज के दिन लॉक हो चुकी है। तो गाइज जो लोग पुराने हैं पबजी में उनको तो पता ही है कि आरपी लॉक क्यों हुई है, लेकिन ये वाला वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो पबजी में नए नए हैं, क्योंकि ये लोग आरपी पे लॉक देख के ही ऐसे रिएक्ट कर रहे होंगे कि यार आरपी आज लॉक क्यों है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी हमारी कोई सीज़न चलती है तो जैसे ही वो एंड होती है और कोई नई सीज़न स्टार्ट होने वाली होती है तो नई सीज़न स्टार्ट होने से एक दिन पहले आरपी लॉक रहती है। मतलब कि आज 13 तारीख है तो 13 तारीख को आरपी लॉक रहेगी और कल 14 तारीख, ठीक है, कल 14 तारीख को सुबह 7:30 बजे हमारी आरपी खुल जाएगी और सीज़न 14 स्टार्ट हो जाएगी। तो सीज़न 14 स्टार्ट होने वाली है, उसीलिए एक दिन पहले आरपी लॉक हो चुकी है। लेकिन गाइस इसका एक एडवांटेज रहता है कि आज के दिन तो आरपी लॉक हो चुकी है, वो कल खुलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग रैंक पुश करते हो, मतलब कि सीज़न 13 के अंदर आप लोग एस क्राउन इस तक पहुँच गए होगे, डायमंड वायमंड तक, तो एक दिन और आप लोग यहाँ पे अपनी रैंक पुश कर सकते हो। मतलब कि कल 14 तारीख तक सुबह 5:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे अपनी रैंक पुश कर सकते हो, और कल 5:30 बजे के बाद आप लोग रैंक पुश भी नहीं कर पाओगे, और जैसे ही 7:30 बजते हैं 14 तारीख को सुबह, तो हमारी सीज़न 14 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और गाइज यहाँ पे सीज़न 14 में पबजी आप लोगों को कौन से टायर से वापस नीचे गिराएगा उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।